कोरोना वायरस से लड़ने के लिए देश को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन किया गया है, लेकिन इस लॉकडाउन के तहत कई ऐसे लोग हैं जिन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। और इस वक्त हम मुंबई के हाईवे पर खड़े हैं, जहां पर हमें मिले हैं ये मजदूर। ये देखिए सामूहिक पलायन की ये तस्वीरें, और ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शहर, कोई एक शहर से निकल कर लोग कहीं और दूसरे शहर की तरफ जा रहे हैं। ऑनलाइन मीडिया पोर्टल्स के जरिए जो खबरें सबसे ज्यादा पढ़ने में आ रही हैं, वो लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों के घर लौटने और उनके साथ आ रही दिक्कतों की हैं। मीडिया भरा पड़ा है इस तरह की खबरों से, बहुत दया और करुणा से भरी कहानियां सुनने को मिल रही है। सवाल यह है कि यह वर्ग अब तक क्यों नहीं दिखा था किसी को भी? आज जिनके बारे में मीडिया इतना सब कुछ दिखा रहा है, उनके घरों के बारे में न कभी पहले झांक कर देखने की कोशिश हुई, न ही इनके शहरों में इनकी हालातों के बारे में कोई रणनीति कभी सामने आई। मेरी आपसे प्रार्थना है, और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। प्रधानमंत्री ने एक झटके में कहा कि सबको बस अपने अपने घर में रहना है। सरकार ने लॉकडाउन से पहले क्या इस वर्ग के बारे में सोचा था? क्यों लोकप्रिय प्रधानमंत्री की मार्मिक अपील के बावजूद लाखों लोग वहीं नहीं रुके जहां वे थे? क्यों शहर अपने दिलों में इन मजदूरों के लिए इतनी आत्मीयता नहीं विकसित कर पाए कि लोग वहां से लौटने की बजाय ये निर्णय कर पाते कि कुछ दिनों की बात है, हम यहीं रुक जाते हैं? क्या दिक्कत हो रही है? मार रहा है पुलिस लोग। पुलिस ने मारा आपको अभी? नहीं, मारने के लिए डरवा रहा है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? कोई नहीं बैठने दे रहा है लो। अच्छा, तो आपको बस बस नहीं मिल रही क्या? नहीं। अच्छा, कोई बस नहीं मिल रही जाने के लिए? नहीं। तो अभी कहाँ रह रहे हो? शहरों और सरकारों ने इन मजदूरों की सस्ती उपलब्धता को हमेशा भुनाया और उन्हें हमेशा शहर के सबसे गंदे, वंचित और सबसे बेकार इलाकों में रखकर अछूत जैसा व्यवहार किया। इन मजदूरों को हमेशा बाहरी, गरीब और जरूरतमंद कहकर संबोधित किया जाता रहा। कभी इसके दूसरे पहलू, जिसमें शहरी जरूरतों की इनकी भूमिका को उस तरह से न तो आंका गया, न ही वो महत्व दिया गया। आगे क्या होगा? जिन मजदूरों को शहरों ने बिना आत्मीयता दिखाए जान हथेली पर लेकर अपने गांव लौटने को मजबूर किया, क्या वो जल्दी ही तुम्हारे शहरों में लौट कर आएंगे? क्या तुम्हारे बहुमंजिला इमारतों की मीनारें रातों रात खड़ी हो पाएंगी? क्या तुम्हारी फैक्ट्रियों की जंग लगी मशीनों को तुम बिना इन मेहनतकशों के चला लोगे? शहर वालों, ये कभी शहर आना नहीं चाहते थे, बस इनकी मजबूरियों ने तुमको सस्ते लोग उपलब्ध करा दिए। तुमको लगा कि ये इंसान नहीं है, बस मशीनें हैं। जब तुमने चाहा काम लिया, फिर मुंह फेर लिया। तुम्हें कभी ये लोग आते जाते उस तरह से नहीं दिखे। इस बार तो तुमने उन्हें जाते हुए देख तो सही लिया, थोड़ी करुणा भी उमड़ आई। अभी तुम्हें इनकी कमी नहीं खलेगी, पर जब तुम फिर से अपनी जिंदगी पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो पाओगे कि कुछ अधूरा है, कुछ सूना है, शहर थम गया है, गति बन नहीं पा रही। असली दर्द तो तब शुरू होगा शायद।